अक्सर हम सेम ग्रेवी का बेस बना के बोर हो जाते हैं, सेम जो ग्रेवी का टेस्ट है वो घर वाले खा के बोर हो जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सी ऐसी ग्रेवी बनाएं जिससे हमारी सब्ज़ी एकदम अलग बने। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोरिएंडर यानी कि धनिए की बनी हुई नई तरीके की ग्रेवी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मसाले जो मैं डाल रही हूँ इन्हें ध्यान से देख लें और इन्हें एक मिनट तक बहुत अच्छे से सेकें ताकि इनमें से एक अच्छी सी अरोमा आने लगे। तो जैसे ही आप इनमें से अरोमा सूंघ सकते हैं तो आप डाल दें इसमें एक चम्मच भर के कसूरी मेथी का और इसे बहुत ही अच्छे से सेक लें तब तक जब तक आपको इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। बस इसे निकाल के पीस के साइड में रख देना है। चार चम्मच तेल डालना है, उसमें डालना है प्याज दो बड़ी वाली कटी हुई और इसे बहुत अच्छे से सेकना है तब तक जब तक प्याज अच्छे से रेड हो जाए। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें अब मैंने जो मसाला सेका था और पीसा था वो डाल दिया है। इसे तब तक सेकें जब तक इसका कच्चापन निकल जाए सिम पे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसे भी बहुत अच्छे से सेकना है। जो मसाले मैं जिस प्रोसीजर में डाल रही हूँ उसी प्रोसीजर में डालेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत निखर के आएगा। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से कुक हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ प्यूरे दो टमाटर का। अब इम्पॉर्टेंट धनिया, आधा जुड़ी धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, इनका पेस्ट बना लिया है मैंने। थोड़ा सा पुदीना डालना था, बाकी के मसाले जो मैं ऐड करी हूँ जैसे कि लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी का पाउडर, मालवनी मसाला, ज़रा सा जीरा पाउडर। अगर आपके पास मालवनी मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं पाव भाजी मसाला या मटन मसाला, ये मसाला डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाले हैं बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और जो हमारा धनिया है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए और ये नीचे से जले नहीं। जैसे ही आपको लगे कि सारे मसाले अच्छे से बेस को स्टिक कर रहे हैं तो मक्खन डाल दें 3 से 4 क्यूब्स। अब इसमें डालना है ज़रा सा पानी और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो मक्खन की जगह पे डाल सकते हैं थोड़ी सी मलाई या और थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं सब्ज़ी की रिचनेस को एनहेंस करने के लिए। अब मैंने इसमें डाला है 200 ग्राम श्रेडेड पनीर का। आप इसकी जगह पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मशरूम, मिक्स वेज या तो फिर कोई भी नॉन वेज का आइटम जैसे कि अंडा वगैरह या चिकन या मटन। अब इसमें ज़रा सी शक्कर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। सिम पे इसे अच्छे से कुक करना है ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना गजब का है, टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है। अगर आप घर पे रेसिपी ट्राई करते हैं और अच्छी बनती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपकी ये वाली सब्ज़ी कैसी बनी थी। और अगर आपको ये सब्ज़ी आज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।